वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार ने अंबेडकर हस्तशिल्प योजना के तहत मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए हस्तशिल्प का क्लस्टर स्वीकृत किया है। इसके माध्यम से मंडी और कुल्लू जिला के हस्तशिल्प कारीगरों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। यह जानकारी मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि मंडी से इसका शुभारंभ कर दिया गया है। आने वाले समय में जगह का चयन कर वहां पर भवन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडी और कुल्लू जिला में हस्तशिल्प कारीगरों को यहाँ के स्थानीय और पारंपरिक वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पर 2 से 6.5 करोड़ तक की धनराशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस क्लस्टर के माध्यम से यहाँ के हस्तशिल्प कारीगरों का पंजीकरण किया जाएगा, उन्हें पहचान पत्र दिए जाएंगे और साथ ही उन्हें नए डिजाइन और नए तकनीकों के बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के हस्तशिल्प कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मुकाबला करने के लिए भी पूरी तरह से ट्रेन करने का कार्य किया जाएगा। क्लस्टर है हस्तशिल्प का, इसका शुभारम्भ यहाँ हुआ है और इस पर 2 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ तक राशि खर्च होगी और इस माध्यम से कारीगरों को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना और विश्व बाजार से मुकाबला करना, उनका पूरा ये जो उनको जो ट्रेनिंग देने वाली, उनको निपुण करने वाली, उनको मार्केट उपलब्ध कराना, उनको नए नए डिजाइन देकर विश्व बाजार का मुकाबला करना, इस तरह के इस क्लस्टर के माध्यम से इन कारीगरों को निपुण किया जाएगा। और ये कुल्लू मंडी की जो ये इसमें जो ख्याति है वो आगे बढ़े। साथ ही सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश के हस्तशिल्प कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए आने वाले समय में प्रदेश में भारत के दूसरे राज्यों की तर्ज पर हिमाचल हॉट लगाई जाएगी, जिससे कि प्रदेश में हस्तशिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए स्थान भी मिल जाएगा और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों आदि को हिमाचल के पारंपरिक हाथ से बनी वस्तुओं भी आसानी से उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इससे मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार की तरफ बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी। इससे पहले सांसद ने मंडी में आयोजित हस्तशिल्प सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, वहां पर उपस्थित हस्तशिल्प कारीगरों को संबोधित भी किया और यहां पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कई बार बाहर जाते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि दिल्ली हाट मतलब एक बाजार लगता है, हिमाचल हाट के नाम से आज तक ये प्रयत्न नहीं हो पाए, तो हम चाहेंगे पूरा वस्त्र मंत्रालय, हमारे सहायक निदेशक ठाकुर जी जिस तरह योजना बनाई है कि आने वाले दिनों में हिमाचल हाट के नाम से भी ये खुले, ताकि पर्यटक बाहर से आएँ, दूसरे लोग बाहर से आएँ तो उनके पूरे हिमाचल की जो वस्तु हैं, जो हमारी परंपरागत कलाकृतियाँ हैं और जो हमारे कारीगरों ने तैयार की हुई ऐसी वस्तुएं हैं, वो उन पर्यटकों को और अन्य बाहर से आए लोगों को मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी।